Now, welcome once again to another exciting episode of Time Out with Ehsan Khan. जनाब कहा यह जाता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो मुल्क का इमेज बनाते दुनिया भर में, और जब आपके आर्टिस्ट बहुत अच्छे हों और बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं तो आपके मुल्क को और मुल्क के लोगों को उन आर्टिस्टों पे फख्र होता है. हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमारे पास पाकिस्तान में बगैर किसी इंस्टीट्यूट के, बगैर किसी एक्टिंग स्कूल के, हमारे पास डायरेक्टर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट हमेशा से बहुत अच्छे रहे. और ख़ास तौर पे जितना मयारी काम पाकिस्तान के टेलीविज़न ने किया है, पूरी दुनिया में हमारे ड्रामे, हमारे एक्टर्स, उनको पसंद किया जाता है, हमारे ड्रामों को माना जाता है, जाना जाता है. जनाब आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास दो बहुत प्यारे सीनियर एक्टर्स आ रहे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जब भी स्क्रीन पर आते हैं और छा जाते हैं, जबरदस्त एक्टर्स हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने का मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं. जनाब उनसे आज मिलवाऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. जनाब जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. और आज आप नोटिस करोगे कि जरा मैं ज्यादा खुश हूं. खुश इसलिए हूं कि कुछ एक्टर्स इस फील्ड में हैं जो मेरे बड़े फेवरेट हैं, जो बहुत प्यारे हैं. वैसे तो मैं ये मानता हूं कि हमारे जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं उन्होंने ऐसा रास्ता हमवार किया हम लोगों के लिए, आने वालों के लिए, और अब हमारा फर्ज बनता है कि जो दूसरे आ रहे हैं उनके लिए रास्ता हमवार करें. लेकिन इन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स बनाए, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया, इन्होंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की, इतने जबरदस्त प्लेस में काम किया कि जब भी आप इनका काम देखते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. और जब आपके सीनियर्स आपके साथ सेट पे हों तो एक घर का माहौल बनता है, जब वो प्यार करते हैं, आपसे बातें करते हैं. और कुछ लोग आप यकीन करें, कुछ लोगों की आप दिल से बेहद इज्जत और बेहद मोहब्बत करते हैं. तो आज दोनों जो मेरे गेस्ट हैं, बड़े मेरे स्पेशल, बहुत प्यारे, मेरे वेरी वेरी फेवरेट. वो सिर्फ मेरे फेवरेट नहीं है, आप लोग भी उनको जब स्क्रीन पे देखते हैं बड़ा एंजॉय करते हैं और वो बहुत कमाल काम करते हैं. सबसे पहले जिनको मैं बुला रहा हूं, हमारी आपकी बहुत फेवरेट, वेलकम सबा फैसल. ऐसे नहीं, ये चलाओ, सबने देख लिया. मैं ये इतनी कूल लग रही है सबा. सो गुड टू सी यू सबा जी, हमेशा की तरह. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. लग रहा है कुछ ज्यादा ही कूल लग रही है, मतलब कुछ. मैं एसएन के शो में आ रही थी. ओहो, स्पेशल तैयारी है. स्पेशल तैयारी है. हाँ, क्या बात है. मुझे लगता है ये कपड़ा आपने यहाँ से नहीं, किसी छोटे मोटे डिजाइनर के, आप कहीं बाहर से. मैं तो पहनती नहीं छोटे मोटे डिजाइनर, मैं सिर्फ सबा फैसल डिजाइनर के पहनती हूँ. अच्छा, पहनते, ठीक है, ओके, जबरदस्त. अच्छा जनाब, हमारे सबा जी आपके साथ जो हमारे इस वक्त आएंगे यहाँ पे, वो मेरे पर्सनली बड़े फेवरेट है. मैंने उनकी फिल्म देखी, उनकी हॉलीवुड की फिल्म देखी, उनकी इंडियन मूवी देखी, उनको जब मैंने उनको पाकिस्तानी फिल्म में देखा, उनको जब टीवी के किसी ड्रामे में देखा, चाहे वो अपने यूथ में, चाहे अभी उनको थिएटर में जब मैंने देखा, यानी कोई, वो कहते हैं ना, कोई ऐसा ऐसी जगह उन्होंने छोड़ी जहाँ वो प्रूव कर सके कि वो कितने जबरदस्त एक्टर हैं और बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और जब भी कोई रोल करते हैं तो दिलो जान लगा देते हैं. प्लीज वेलकम साजिद हसन. नहीं, मुझे भाई, सो गुड टू सी यू. मुझे एक बात बताओ, इनके साथ क्यों नहीं झूमे अभी, ये बताओ. मेरी जान, मतलब उनके बालों पे नहीं जाना वो, माशाल्लाह अभी भी. सभागर, तुम मुझसे समझती कि मैं और तुम एक हैं,
हाँ ना, नहीं डाली ये खवातीन के साथ डालिएगा, मर्द साथ मर्द के नाश्ते में अच्छा नहीं, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, जरूरी हो गया, फ्रेम अच्छा नहीं लगता, फ्रेम ज्यादा अच्छा नहीं लगता, सही कह रहे, पब्लिक भी नहीं देखती, ओह यस, ओह यस, दैट्स राइट। अभी तुम्हें डांस करते हुए देखेंगे, पूरी दुनिया हेट है, सुबह फैसल गाला डांस करते हुए पहली दफा खबरनामे के बाद एक नई एंट्री, नहीं मैं एसन के साथ तो मैंने ड्रामा में भी किया, मैं हमेशा किया डांस, अभी मुझे बहुत तारीफें करी थी माशाल्लाह, मैंने किसकी तारीफ करने की जरूरत थी, सुपरस्टार है हमारे संदा यार, थैंक यू साजिद भाई, सो गुड टू हैव यू, एंड एवरी टाइम व्हेनेवर आई सी यू व्हेनेवर आई मीट यू मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों को दोनों को देख के, और आप जैसे और हमारे इतने जबरदस्त सीनियर एक्टर्स हैं कि हम लोग इतना ऑनेस्टली जस्ट नॉट दैट यू गाइस आर हियर, मुझे वो कहते हैं ना आप यू फील प्राउड कि यार आपके जो सीनियर्स हैं या जो बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स माशाल्लाह हैं आप लोगों को कहीं पे भी खड़ा करते हैं दुनिया में, मैंने इनका सबा जी आप भी माशाल्लाह आप तो खैर हर प्ले में होती हैं, सबा जी के बगैर तो कोई प्ले ही नहीं बनता, चलो ना मुझे मुझे बना मुझे दिया, मेरे घर वालों ने पूछ दिया कि ये सबा को मेरी अम्मी कहती थी टाइम कैसे मिल गया है सबा को इतने ड्रामा, तुम तो एक करते और फिर दूसरा करते तो ये तो तीज, मैंने कहा बड़ा अच्छा सवाल है, नहीं हाँ सबा जी मुझे इसका जवाब दें आप मुझे, मेरा आजकल पिछले 20 साल से ओढ़ना बिछोना रहना खाना पीना एक्टिंग, क्योंकि मैं कराची में हूँ, फैमिली मेरी लाहौर में है, अगर मैं कराची में हूँ और इस काम के लिए हूँ तो मैं क्यों ना ज्यादा से ज्यादा काम करूँ, फिर आप यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं लेती कोई दिन ऑफ, संडे के अलावा, संडे के अलावा कोशिश होती है रोज शूटिंग करें, हाँ मुझे कोशिश ये नहीं होती कि मैं रोज शूट करवाऊँ, कोशिश ये होती है कि जो प्रोजेक्ट पकड़ा है उसे खत्म करवाऊँ और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाऊं, सबसे जल्दी साजिद भाई इनको जब हम ड्रामे की सेट पे कि या कहती हैं कदों मुकना है ड्रामा मैंने कहा शुरू तो होने दो, शुरू तो होने दो, अच्छा वो चेक आना है ना दरअसल जाहिर है भाई प्रोड्यूसर का भी तो ख्याल करना चाहिए ना, खत्म करें ड्रामा अगले ड्रामे में, मर्सनरी एक्टर्स एक उनमें भी होता है ना, अब क्रिकेट भी मर्सनरी जा रहे हैं, पीएसएल देखें आईपीएल देखें, ये मर्सनरी एक्टर है, आगे लिटा दो कोई सब्जेक्ट मैटर कुछ भी, अभी अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं जो काम ज्यादा कर रही होती है ना कोई बताता नहीं है, सबकी चाहत, मैं जब मैं इस फील्ड में जब आई थी मुझे इस तरह का बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, सबक कुछ तो छोड़ दिया करो, कुछ तो छोड़ दो, तुम तो कोई ड्रामा नहीं, मैं खामोश रहती थी क्योंकि मेरे बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, तो मैं कहती थी ना मैं क्या जवाब दूं, वो लाहौर में थे, अब वो जब कराची आए वो बहुत बिजी हो गए, मैं एक सेट पर गई तो वो पहले से बैठे हुए थे, मैंने कहा बताएं जब काम मिलता है तो दिल चाहता है छोड़ने का, कहते हैं नहीं, मैंने कहा इसलिए मैं इस वक्त के इंतजार में थी कि आप इस फेज से गुजरे और फिर मैं आपको कहूं कि अब दिल चाहता है घर बैठने, सही बात है, काम मिले, मिल रहा हो तो क्यों छोड़ें, काम मिले और क्वालिटी वर्क मिले, सही है, तो और क्यों छोड़ें आप? अच्छा साजिद भाई एक और चीज हमारी इस फील्ड में, मुझे ये कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग एक सर्टन टाइम पे जब लाइक मुझे अगर चार चीज़ें ऑफर हो रही हैं एंड मैंने सोचा नहीं अभी बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में, कभी ना सोचूं या मैं कल ये करूंगा परसों वो करूंगा और मैं विद फ्लो चल रहा हूं और अचानक से कभी आपको आप अपने ही काम से एक क्लीशे तरीके से या एक तरह के स्क्रिप्ट से कि एक आर्टिस्ट होता है ना वो कभी कभी बोर भी हो जाता है, एंड आई नो आप तो अपने बहुत यूथ से काम कर रहे हो और एक सर्टन टाइम में आके आप बोर होके आपने सोचा कि यार ये नहीं मुझसे होगा यार ये नहीं होगा, तो वो कितना एक डिफिकल्ट टाइम है एक्टर के लिए टू सर्वाइव, इट्स हिज ब्रेड एंड बटर आल्सो एंड देन ही हैज टू बी चूजी, तो क्या लगता है आपको? ये देखिए दुनिया का सबसे इनसिक्योर जॉब तो ये है, इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए, अगर सब आपको काम मिल रहा है तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग इनको देख रहे हैं, उनकी डिमांड है और ये आके अपना काम तरीके पे वक्त पे चली जाती है, बिल्कुल सही, ये एक तो, मगर दूसरा साथ साथ ये बिल्कुल हमारे जैसे लोगों के साथ रहा कि एक साल में दो सीरियल तीन सीरियल के लिए तो चार साल बैठा भी रहा मैं, लेकिन इवेंचुअली दिस इज व्हाट यू डू टू अर्न योर लिविंग, या सो आई थिंक इज अगर हमारे यहाँ अगर आप नंबर गेम ना खेलें तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और आपके पास एक सर्टन पीरियड टाइम होता है एनर्जी होती है जिसमें आप कर सकते हैं ये सारे काम, जैसे अभी ये तो बहुत यंग है माशाल्लाह, मैं अपनी हद तक तो यही देखता हूँ, हम लोगों से जो आगे के लोग कवि साहब ये वो
इनकी एनर्जी देखें आप इस आज भी है, आज भी एनर्जी है. इट्स लाइक गोइंग टू द ऑफिस, रियली इज. इट्स लाइक गोइंग टू द ऑफिस. लोगों का ऑफिस होता है, उनका घर होता है, एक खास जगह ऑफिस होता है, उधर ही जाके सदियों बैठे रहते हैं. हमारा ऑफिस कभी ये वाला घर, कभी उस वाला घर, कभी ये वाला शहर, कभी वो वाला मॉल शहर. लेकिन मैं अपने बच्चों को एक बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज अभी भी खत्म नहीं हुआ. हमारे वही टाइमिंग है ना, हम लोग हाँ नहीं कि हमने सुबह उठना है और काम पर चले जाना है. तो आपकी जो स्कूलिंग का जो वजह है उसकी, वो यही है कि यू आर प्रिपेयरिंग द किड. आपके जो बच्चे हैं उनको आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये इस रेगुलर टाइम में जाया करें. ये ऑफिस भी यही है ना, आप ऑफिस के लिए तैयार कर रहे हैं उन्हें. तो जो बच्चे इनमें तेज हो जाते हैं वो ऑफिस वर्क में अच्छे होते हैं. मगर अब दुनिया बदल गई ना सब, अब घर से तो ऑफिस आने लग गया है. चैनल आपके हाथ में है, आप वर्चुअली. अभी मैं बैठा हुआ था अजीब हालत में, सभा ने कैमरा शुरू कर दिया और मुझे उसमें ये बड़ा तो फायदा तो ये डर लगता है सच में. ये बड़ा है भाई, 1.8 माशाल्लाह फॉलोअर्स हैं. ओहो हो सभा जी, कोई फॉलोअर्स हमें भी दे दे थोड़े से आप. यार सवाल नहीं पैदा होंगे, देखें जरा. सवाल कौन करे? नहीं नहीं, हमारे कुछ भी नहीं. मेरे 5 फॉलोअर्स हैं जिसमें एक मेरी बीवी है. अब छठा होगा. मैं शुक्र करें आपकी बीवी आपको फॉलो करती है, वरना नहीं. आप एक बात, बीवी फॉलो नहीं करती. मेरी बीवी मुझे फॉलो नहीं करती, काय को मुझे मरवाएंगे यार. ये जुमला क्या है? टोटल से यू फॉलोअर, शी इज द लीडर. उसने एक दिन मुझे कहा, हम गाड़ी में जा रहे थे. आप फॉलो करते हैं? नहीं नहीं, मैं उसको क्या मैं बता रहा हूँ ना कि गाड़ी में चला रहा था तो हमारी किसी चीज पे बहस थी. तो गाड़ी रोको, मैंने गाड़ी रोकी. इट्स अबाउट मी, मुझे देखो. इट्स अबाउट मी. ओके फाइन, इट्स अबाउट हर यार. इट्स अबाउट यू डू थिंग्स. जैसे इसके मियां से पूछेंगे आप, मैंने कहा किधर छुपाया है, बैग में लेके आई, क्या हो रहा है, कहाँ है यार ये. देखिए मर्द होते ना, उनके अपनी बीवियों को लेके दिखाते ही नहीं है. आप उन एक्टरों को सदियों देखते रहे मगर उनकी बीवियां नहीं नजर आती. मेरे शौहर नहीं नजर नहीं, हमें तस्वीरों में केरा की नजर आ जाते हैं तस्वीरों में. अच्छा साजू भाई, आप मुझे ये बताएं, आपने आपको क्या लगता है, आपने यू वर्कड इन फॉर दिस हॉलीवुड फिल्म आल्सो, यू वर्क फॉर एन इंडियन फिल्म आल्सो. इट्स अ वेरी क्लीशे काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट आई वुड स्टिल लाइक टू आस्क यू कि व्हाट डू यू फील के हमारी इंडस्ट्री अभी भी वो नहीं बन सकी, उस जगह पे पहुंच नहीं सकी जहां पे पहुंचना चाहिए था, आपको लगता है ऐसा? देखिए आपकी इस इंडस्ट्री बेचारी जिस तरह जहां पहुंची है ना, वो बहुत आगे की जगह आ गई है. इसके बावजूद कि आपके यहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर हम एक गरीब मुल्क हैं, फिर हम एक बड़े कंजर्वेटिव कंफ्यूज मुल्क हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सेंसरशिप. सही. अब आप जब एक चीज को खामखा बंद करते हैं तो उसकी वजह से कई अकलमंदी की चीजें भी बंद हो जाती है. आपकी स्टडीज रुक जाती हैं 10 चीजें. तो दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है ऐसे में. अब इसमें ये तो आप नहीं कर सकते कि वो एटीट्यूड जो आज से 40-20 साल पहले हमारे मर्द हजरात लेके चलते थे वो चलाते रहे. अब चीजें पॉलिटिकली करेक्ट करने की जरूरत है. आप जितना भी लड़ लें, किसी भी नाम पे लड़े, एथनिसिटी पे लड़े, मजाहब के नाम पे लड़े, आपको एक दिन आके वापस एक इंटीग्रेट करना है एक दूसरे के साथ. बिल्कुल सही. यू हैव टू लिव टुगेदर. एक साथ चलना है आपको, मजाहिब के साथ चलना है. पाकिस्तान एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन मुल्क, और हमारे जो कायदे आजम ने जिस तरह से रखा था, हमने शायद उसको फॉलो नहीं किया. तो मैं समझता हूँ कि हमने बड़ा तरक्की उसके बावजूद की कि जब सेंसरशिप हुआ भी करती थी तब भी हम अपने थिएटर के थ्रू, अपने अखबारों के थ्रू, बिल्कुल जो राइट चीज थी वो कहते थे भाई, कहते थे, आप लोग बोलते थे. अब भी कह रहे हैं यार. अब ये प्रॉब्लम ये हो ना, या शायद अच्छी बात भी है कि बहुत ज्यादा अब कमेंटेटर्स हैं, हम आप किस पे यकीन करते हैं. सभा भी कह रही है कि मैं कह रही हूँ वो सही है, तो फला भी कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ वो सही. रात को आप हर रोज देखते हैं कौन सही है, ये आपका काम है देखना ना. उसके लिए कि कौन सही चाहिए? है हाँ. उसके लिए अकल चाहिए, उसके लिए अकल भी चाहिए, तालीम भी चाहिए साथ, थोड़ी सी अवेयरनेस एजुकेशन भी चाहिए. या और वो हम शायद अभी थोड़ा सा अभी भी लैक करते हैं. आप अपने शहरों में निकले जरा जाके तो आपको पता चलता है आपने तालीम आम बच्चों को शायद इतनी नहीं दी है. महंगी है तालीम की, बड़ी बड़ी अजीब बात है कि आपके यहाँ सेहत और तालीम दोनों महंगे हैं. बहुत सबसे बेसिक चीज है. अरे बेसिक ह्यूमन राइट है. बेसिक मतलब आप अपनी जो डिफरेंशिएशन है, अपनी जो कमजोरियां बच्चों में पैदा कर रहे हैं वो तो शुरू से ही कर रहे हैं. गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ ही नहीं उसके रहा. पास तो पानी भी नहीं है. अब सच बोलना चाहिए. अब जब आप बोलने लगते हो तो बुरा लगता है कि हमारा अपना मुल्क है, इसकी बुराइयां क्यों करते हैं. अच्छाइयां करने के लिए जब आप किसी चीज को निशानदेही करते हैं तो आपको पता ही खराब है, इसको उजागर कर रहे हैं ना. आप उजागर करते हैं एक चीज. सही. मैं जब अमेरिका गई तो मेड आती थी घर पर, वही जो एक हफ्ते बाद जी. तो उसके साथ उसका बच्चा आता था और वो मेरी कजन के बच्चे के साथ खेलता था, तो मैं बड़ी हैरान होती थी. मैंने कहा देखो इसके, उसने कहा दोनों क्लास फेलो हैं.
एक ही स्कूल में है, स्कूल में है। मेड का बच्चा भी उसी स्कूल में है और जहाँ क्लास डिफरेंस नहीं हुआ, नहीं है ना, तो फिर तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए, ये हमें पॉइंट आउट भी कैसे करना चाहिए हमारे यहाँ, जो कि हमारे दीन में सबसे पहले हमारा रिलीजन ये सिखाता है कि इक्वालिटी है। अब सपा जी एक चीज और, मैं हमारी ये भी बात चलती रही कि एक और रेटिंग जो आती है हमारे ड्रामे के साथ भी, आपसे पूछूंगा ये रेटिंग जो है क्या ये बड़ी मैटर करती है कि मेरे इस प्ले की रेटिंग आ रही है लेकिन आपको ये बाहर जाके पता लगता है कि वो जिसकी रेटिंग आ रही थी वो ड्रामा वाकई मशहूर होता है? कुछ होते हैं जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे होते हैं उसकी रेटिंग शायद नंबर सेकंड या नंबर थर्ड थ्री पे होती है लेकिन वो ड्रामा पॉपुलर ज्यादा होता है, ये महसूस करती ये है? बिल्कुल है, वैसे मेरे तो सारे ड्रामों की रेटिंग आती है क्योंकि सपा जी के हर ड्रामे की रेटिंग, क्योंकि वो ड्रामा मेरा ड्रामा सास और बहू के दायरे से बाहर नहीं निकलता, नहीं निकलता। बहुत कम है, लेकिन आपको मैं बताऊं सपा जी इतनी ऐसी मैं कहता हूँ सोच के, ये कहते हैं इस ड्रामे में सही सेंसेशन है और कास्ट भी बाकी अच्छी है, डायरेक्टर भी से ये करो ड्रामा इसकी रेटिंग, और इनके हर जिसे इनकी सोच होती है जो उसकी रेटिंग आ जाती है। नहीं, इसलिए कि हमारी आवाम यही देखना चाहती है जो टीवी देखते हैं। अच्छा, जो ज्यादा आबादी है हमारी गांव में रूरल एरियाज में, वो उनकी अभी तक मेंटेलिटी वही है, वही रुके हुए हैं, कोई चेंज नहीं करेंगे, वो यही पसंद करते हैं। जहां आप कोई और टॉपिक लेकर आएंगे वो ड्रामा नहीं चलेगा। माशाल्लाह एक चल रहा है, बड़ी बात है, एक और चला, बड़ी बात है, वरना चलते तो सास बहू के ड्रामे हैं और आपके जो फैमिली पॉलिटिक्स है ना। अच्छा, वो ज्यादा चलती है, वो बहुत चलती है। मुझे एक बात, आप दोनों ने कोई प्ले में काम किया इकट्ठे एक साथ? हाँ, मुझे बताएं साजे भाई को गुस्सा आता है सेट पे कभी? ऐसे ही आता था कभी कभी। अच्छा, मैंने इनके साथ काम किया कोई गुस्सा नहीं आता, मुझे किसी ने बोला इनको गुस्सा आता है? नहीं, वैसे मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ कभी सुना के गुस्से में, लेकिन हमने काम किया था और मैंने भी देखा, कभी भी नहीं देखा। अच्छा ये सुने, ये चीजें हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा है। मैं किसी भी नए सेट पर, अब तो शुक्र है कोई भी मेरे लिए नया सेट नहीं है, लेकिन जब किसी नए सेट पर जाती थी 3 दिन के बाद वो कहते थे उफ आपसे तो इतना हम डर रहे थे, आपके बारे में हमने ये सुना था, ये पता नहीं वो सुनाने वाले कौन होते हैं। नहीं, आप बिल्कुल भी, ऐसा है कि हमारा काम जिस तरह का है एसएमई और आपको तो पता ही है बात, जब आप काम करते हैं ना तो ऐसा लगता है आप अपने घर वालों के घर में आ गए, तो और आप कपड़े उनके सामने, हमारा यही घर है, कार उनके सामने, हाँ सब बेड़ा गरक वो आपकी बीवी से ज्यादा समझने लग जाते हैं आप। बात सही है। अच्छा सपा जी मुझे एक बात बताएं, आप स्क्रिप्ट जब आता है आपके पास, आप क्या चेक करती हैं सबसे पहले? मतलब अपार्ट फ्रॉम द चेक बस खत्म ना। सुने, मैं तो आर यू जोकिंग विद वंस चेक साइन दैट्स इट मैं बताती हूँ क्या ये बड़ी मतलब सबसे देखिए एक तो स्क्रिप्ट जब इतना पलंदा आता है ना स्क्रिप्ट का कि पढ़ना है तो वो टाइम नहीं होता, ठीक है, फिर मैं कहती हूँ मुझे आप वन लाइनर सुना दें, ठीक है, ये बता दें कि ये औरत चाय पानी तो नहीं ला रही, इसकी कोई अपनी जिंदगी है, इसकी कोई अहमियत है, इसका काम है करने को, क्योंकि पैसे पकड़ चुकी होती है, नहीं उसके बाद कहती है ओहो ये कहानी तो मजा नहीं आ रहा, पैसे कर दे, नहीं वो कहते हैं सजी कर देंगे, सुने उसमें देखिए इसमें यूं कर दें, वो तो ये खुद लिख रही है सब, नहीं साजिद मैं आपको बता रही हूँ ना, यही आ रही हूँ मैं, तो वो मेरे पास टाइम नहीं होता। अच्छा वो सुना दिया, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ आर्टिस्ट कौन से हैं, अब को आर्टिस्ट का कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, जो आर्टिस्ट फोन बंद कर देते हैं और आपकी आप बचे रहते हैं उसके बाद इसने कहा इसको वापस में बड़े ये लोग अब और खवातीन का आपको पता है ना, अब खवातीन इतनी पावरफुल हो गई टेलीविजन में इसके चेहरे पे कितनी फिरौनियत वाली असर, आप ये देखें उसके बाद इसने मुझे कभी अपने सामने कास्ट वो ऑफर ही नहीं हुई होगी सपा जी कभी नहीं कटवाती। सुने साजिद आप नहीं होते ना, सुने आप नहीं होते तो मैं ड्रामों में बेवा होती हूँ, शोहर नहीं होता, मैं ज्यादातर बेवा हूँ, शोहर ही नहीं होता, मैं शोहर ही नहीं होता, वो तो फिर हो सपा इज लवली लवली सही बात है सपा जी। तो फिर ये आपने देखा कि जी ये कैरेक्टर अच्छा पिवोटल एक रोल है। अच्छा उसके बाद मैं देखती हूँ को आर्टिस्ट कोई तंग करने वाला तो नहीं है, हीरो हीरोइन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अगर कोई एहसन है, नीलम है, आयजा है, तो मैं आंखें बंद करके पैसे पूछे बगैर कर दूंगा, वरना मेरा कैरेक्टर अगर पता नहीं चलता तो मैं कहती हूँ अच्छा बजट, अगर ये बजट मुझे दे रहे हैं तो ये मुझसे काम लेंगे, ओके फाइन डन। अच्छा सही, ये करती हूँ, इम्पोर्टेंट चीज है। साजिद भाई आप क्या ऑब्वियसली आप कैरेक्टर भी देखते हैं अपना, और नहीं देखता मैं ज्यादा कुछ नहीं यार, मुझे तो लोग जब आपको अप्रोच करेंगे तो किसी मेजर चीज के लिए करेंगे ना। देखिए मुझे अप्रोच करते हैं डिफिकल्ट रोल के लिए, सबसे ज्यादा मेहनत का काम मुझे ही होता है,
सबसे ज्यादा उठ के भागना दौड़ना मुझे ही पड़ता है. आई थिंक आई बीन लकी लाइक दैट. मुझे डिफिकल्ट रोल आ जाता है तो देते हैं. जैसे ये जो भी जावेद इकबाल का रोल किया है यासिर हुसैन ने, मुझे पहले भी किसी ने कहा था बट आई कुडंट डू इट. ओके मतलब दिखाने के हद तक तो सही है. आई एग्री कि इस पे बने सब्जेक्ट. व्हाई कुडंट यू डू इट? दैट्स आल्सो इट्स जस्ट द साइकी, यू नो. लुक, इसके पीछे जो साइकी होती है, या आप जब अज्यूम करते हैं किसी कैरेक्टर को, तो कहीं ना कहीं आप उसके करीब जाते हैं. आपको ये एक्टर को ये मसले होते हैं, बहुत सारे होते हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अगर एक बहुत बुरे एक्टर भी है मेरी तरह के, तब भी मसले होते हैं. अब जब आप नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप कुछ, बीवी मेरी घबराने लग जाती है बहुत ज्यादा. एग्रेशन आता. मैं जब कयामत कर रहा था तो मेरी बेगम ने दो तीन बार बोला, यार तुम ड्रामे वाली की तरह क्यों बोल रहे हो टोन में. इजी हो जाता है ना, बिकॉज यू गेट टू डू दैट इन अ सर्टेन पीरियड टाइम. आपके पास इतना टाइम है, अगर आप उससे बाहर अंदर निकल रहे हैं तो उसमें अगर आप रहते हैं ज्यादा बेहतर. तो ज्यादा बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आप उसके अंदर मुस्तकिल आप जीना शुरू कर देते हैं. ये हो जाता है वो. सही है. एंड आई थिंक मेरे साथ तो ये भी है कि जब तक मैं भूखा ना मर रहा हूँ उस वक्त तक मैं ड्रामा नहीं लेता. यानी बिल्कुल एंड तक वेट कर. मैं खुद ही फोन कर देता हूँ जब मैं बिल्कुल भूखा मर रहा हूँ. अच्छा साजिद भाई, एक आपने बड़ा अच्छा रोल किया था थिएटर, हमने आपका देखा था. Forgetting the name. क्यों निकाला? क्यों निकाला? वो टोन जरा मुझे बताइए यार, वो इतनी सपाजी. अगर आपने वो, मैं कहता हूँ काश कि वो प्ले दोबारा लगे और आपने जरूर देखा. मैं जरूर देखूं यार. इन्होंने मतलब कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि जिसपे जो हंसी वाला डायलॉग नहीं था ना, उस पे भी हमें हंसी आती बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस. आई नो व्हाट ही वाज डूइंग. वो क्या टोन थी साजिद भाई, जरा वो टोन मुझे बताएं. नहीं यार, बात इसलिए कि अब हम इसमें बड़ी खतरनाक बातें भी हैं. बुरा भी लग मन जाते यार. आप जब भी होता है आप पंजाबियों का मजाक उड़ाने आ जाते हैं. सिंधियों का ज्यादा सही, जब भी ऐसा ही बोलता है क्या हम आप लोग बोलते हो यहाँ पे उर्दू अच्छे, इसमें झगड़ा हो जाता है. द थिंग इज कि जब आप एज एन एक्टर यू ट्राइंग टू सीक बारीकियां क्या है, कोई भी किरदार हो सिंधी, आप उसकी बारीकियों में तो घुसने की कोशिश करना चाहिए. तो अगर नहीं भी करते तो मुझे ये है कि वो उसमें, क्योंकि उन्होंने हालांकि बहुत मना किया था मुझे, बट द काइंड ऑफ कैरेक्टर ही वॉज, आई थॉट इट वुड कैन ओनली बी अ पंजाबी. उसमें मजा किया. तो उसमें अनवर भाई का आपको पता शरारत क्या, आपने बाकी जो शरारतें उन्होंने डाली. अब मेरे हाथ में, इनके हाथ में एक अच्छी स्क्रिप्ट हो जिससे आप एक्साइटेड भी हो, जिसमें आपको वो मसाइल नहीं हो रहे कि जिसमें आप कह रहे हैं यार व्हाट एम आई डूइंग, तो फिर आदमी का दिल एक डिफरेंट तरीके से. अनफॉर्चुनेटली ये जो बात कर रही है कि हमने नंबर गेम की, इसके बड़ी हिम्मत है, इसको सलाम है. ये बहुत अनथिंकिंगली काम कर जाती है. अनथिंकिंग का मतलब नहीं कि अदरवाइज तो ये, लेकिन मैं लकी हूँ वो हिट हो जाता है सब. ये हाँ, मैं लकी हूँ. मैं आपको बताऊँ, अगर मैं इतना काम कर रही हूँ ना, तो मेरा कोई भी ड्रामा ऐसे ही नहीं गुजर जाता. नहीं, यू हैव कम अ लॉन्ग वे सभा जी. और स्पेशली सभा जी, इतना लेट फील्ड में आके एक्टिंग की फील्ड में, यहाँ पे क्योंकि एक टिपिकल वो होता है ना, हीरो हीरोइन भी किया और फिर आप साथ ही इस फील्ड में, आप बहुत देर से आई हैं और आपने इतना सक्सेसफुल अपना करियर ब्रेक कराया. तो तीनों बच्चे थे जब मैं आई थी. हम बड़े बात है जी. अच्छा, यहाँ एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, हम आगे अपनी नेक्स्ट गेम की जाने बढ़ेंगे. चिट चैट तो इन दोनों से इतनी लंबी हो सकती है कि आई डोंट वांट टू स्टॉप, आई डोंट वांट टू टेक अ ब्रेक, आई जस्ट वांट टू टॉक टॉक टॉक. लेकिन साजिद भाई भी सोचें कि यार ये ब्रेक नहीं ले रहा, बोलता चला जाए. मैंने सोचा एक साथ खत्म करें, बाद में ब्रेक रिकॉर्ड करेंगे. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. और अभी हम इनसे रैपिड फायर टाइप एक सेगमेंट करेंगे, हम देखते हैं कितना ये रैपिड करते हैं इसको. साजिद भाई, आपसे पहला सवाल ये है कि मुझे बस इस बात का खौफ रहता है कि मौत से पहले मैं बहुत सारी चीजें ना कर पाऊं. ओके, ठीक है सबा जी, मुझे जब एक जालिम सास का रोल मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि एक तो आ गई है, दूसरी बहू आने से पहले काफी ज्यादा सोचेगी असल जिंदगी में ये असल में भी ऐसी हाँ है ना. मैं तो मशहूर हो चुकी हूँ, बुरी सास.
खूबसूरत बुरी सास, वो ला के तुझे ही दिखाते हैं शक्ल, उनको खूबसूरत ही चाहिए, वही मेकअप शेकअप सब फैसल का अलग ही ठसा टिंग टांग। ओके जी साजिद भाई, आपसे सवाल ये कि मुझे अपने डायरेक्टर्स को ये कहना है कि ये कुछ पढ़ लिख भी ले बेचारे। मुझे अपने प्रोडक्शन हाउसेस को ये कहना है कि चेक टाइम पर दे, वैसे मिलते हैं, तो मिल जाते हैं, हाँ, लगता है सबको, जूनियर्स को, हाँ, सब सबको, हाँ, न्यू कमर्स को भी चेक टाइम पर दे, ठीक है। साजिद भाई आप ये बताएं, स्क्रिप्ट राइटर्स को मैं बस यही कहूंगा कि ये भाईजन कुछ और करना शुरू करो, नई कहानी तो तुमसे लिखी नहीं जा रही। साजिद भाई कुछ अच्छे भी हैं, चार अच्छे, आप मेरी बात सुने, 100 में से 1 हिट आए, ये कोई बात हुई? देखिए बात ये कि हमने बहुत ज्यादा ड्रामे बना चुके थे, कौन कितने देखेंगे, इतने चैनल समा फैसला भी आई थी, अभी इसकी बीवी बनी हुई है ना, मुझे अभी इसके साथ आई, उसको भी उसी तरह छोड़ देंगे लोग। अच्छा, मेरी नजर में अवार्ड शोज ये हैं, मेरी नजर में अवार्ड शोज, अच्छा मैं नहीं, वैसे बिलीव ही नहीं करती, अच्छा हाँ, मैं हमेशा सुने सुने मैं हमेशा ना आर्टिस्टों को 3 कैटेगरी में समझती हूँ, ठीक है, एक हमारे सोशल मीडिया के आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ठीक है, एक अवार्ड शोज के आर्टिस्ट हैं, और एक वो हैं जो काम करके मनवा रहे हैं जैसा कि मैं। अच्छा तारीफ है, तारीफ है, इसलिए ये तारीफ है भाई, ये एक कैटेगरी भूल गई, एक मॉर्निंग शो की भी, एक मॉर्निंग शो की भी, अच्छा मैं उसका भी कभी कभी हिस्सा बनती हूँ, वो भी दिहाड़ी लग जाती है ना आपकी तरफ से, गुड, अच्छा है, अच्छा है, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अच्छा देखिए, अवार्ड शो होने चाहिए, अवार्ड शो होने चाहिए, अवार्ड शोज होने चाहिए, देखिए आप बुरा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अवार्ड किसी को भी दे रहे हैं, दे शुड बी, क्योंकि मुल्क जो है जब आपको किसी किस्म का कोई भी अवार्ड दे, अच्छा लगता है। अब ये कि इसमें आप 10 बहस कर सकते हैं कि इसको दे, साजिद जब मुझे 5-4 मर्दों में एक मैं खातून थी न्यूज़कास्टर, मुझे वो जो अवार्ड मिला था ना, वो नशा आज भी कायम है मेरा, ओ, उसी तरह वो जो पता नहीं कितने हजारों की पब्लिक थी, yes, और वो जो मैंने पीटीवी अवार्ड जो मैंने वो अवार्ड लिया था, जुबैरुद्दीन और अजहरुद्दीन और बड़े बड़े नाम, और उसमें मुझे उर्दू और वो अमेरिका चले गए जी जी, अभी मुझे पिछले दिनों वो मिले और वो खुद आए मेरे पास, और मैंने वैसे उन्हें नहीं पहचाना, अच्छा। वो खुद आए और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, इजारेश किया कि नहीं, नहीं बहुत अप्रिशिएट किया क्या, हां वो 20 साल पहले दरअसल मैं बेगम साथ थी उनकी, मैं बड़ा प्यार करता था आपसे, बेगम साथ थी, उसमें भी शादी तेरे बेगम साथ थी, कुछ कह नहीं सके। ओके जी, मेरी बीवी को मेरी ये वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, एक आदत हो तो बेटे बताऊं, अब ये लगे उसको कई दफा तो मैं ही पसंद नहीं आता, चले पसंदीदा बता दे, पसंदीदा वो तो एक दो होंगी, कहते कई दफा तो मैं ही पसंद नहीं आता, अभी 3-4 साल में कई दफा तलाक हो चुकी है मुझे, वो दे चुकी है, मैंने कहा शुक्र है तुझे मैंने हक के तलाक नहीं दिया, वरना अब तक तुम फारे, और मैं इसको कहता हूँ 30 साल में मैंने तुझे इतना पैसा खिलाया, अभी मैं तुझे नहीं छोड़ता, तो मेरी इन्वेस्टमेंट है भाई जान, ऐसे मतलब मर गए हार्ट के मरीज हो गए उसको चलाते रहे, अब जैसे ये अपने मियां को चला रही है, पता नहीं वो खुश रहते हैं, उनसे पूछे वो करते क्या है, वो एक करवट पे लेटे रहते हैं, और सभा जब अपनी शूटिंग से वापस जाती हैं 4-5-6 दिन बाद, तो उनको कहती हैं मेरी जान करवट तो बदल लो, इतने थके उसकी तो याशी चल रही है, क्या ये सच है, समझ वो यार याशी चल रही है उसकी, नहीं अब पैसे कमा के थक गई है, सुने वो पड़ा रहता है घर में, सुने मैं तो वैसे लोगों से भी कहूंगी कसम से इतना अच्छा रिलेशन हमारा चल रहा है, क्योंकि इतना गैप आता है, पैसे देती हो इतना गैप आता है हमारे, गैप इतना हाँ, 5 दिन के लिए जब मैं जाती हूँ ना, तो वो मोहब्बतें ही खत्म नहीं होती, इधर से तो बहुत अच्छा है भाई। सभा जी वो कौन सा जुमला है एक जो आपको लगता है हर स्क्रिप्ट में जरूर होता है, ओए ओए, चाय पियेंगे, चाय पियेंगे, नहीं वो ये होता है, वो मैं उन राइटर्स ये क्या क्या कहा ये सुने, मैं उन राइटर्स के ना बहुत खिलाफ हूँ,
तुम आ गए, तुम भाई ये ड्रामा है, कुछ रेडियो तो नहीं चल रहा ना, तुम आ गए हो तो नजर भाई नजर आ रहे हो, आ गए तो मैं ऐसी लाइनें नहीं लेकिन ऐसे उठ कह दिया कर क्योंकि कई लोग अंधे होते हैं। ये बीरबल का बड़ा मशहूर वाक्य है कि बीरबल से पूछा बादशाह ने कि भाई कितने अंधे हैं मुल्क में, तो उसने कहा तकरीबन 90%। उसने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए, 90%? इधर आओ तुम, सारी दुनिया में ना अभी अभी मुल्क में जाओ, पूरी सर्वे करके आओ और सुबह मुझे साबित कर देना। उसे भी कहा 100% कि 90% अंधे हैं, वरना मैं तुम्हारा सर उड़वा दूंगा, तुमने कैसी घटिया बात की है कि मुल्क में 90% अंधे हैं। उसने कहा ठीक है। अगले दिन बादशाह पहुंचे अपने दरबार में, तो बीरबल एक चारपाई बुन रहे थे, तो उसको देखते कहने लगे बीरबल ये क्या कर रहे हो? तो सुन ले ना, जवाब तो उसके साथ जो बंदा बैठा था बीरबल, बीरबल ने कहा इनका भी नाम लिखो भाई। तो तेरे साथ ये होता है। सही है जी। खवातीन से बात करते हुए मैं ये सोचता हूँ कि कहीं मी टू मूवमेंट ना आ जाए। अरे मजाक नहीं, मैं आई थिंक वुमेन आर द मोस्ट अमेजिंग 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 ह्यूमंस के साथ, एंड आई थिंक मुझे मर्दों से ज्यादा बात करना अच्छा है, मैं खवातीन से बात है ठीक है, बिकॉज देयर इज दिस रीजन, देयर इज लॉजिक एट टाइम्स, दे वेरी वेरी गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट। या ठीक है, तीन ऐसे एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है और मुझे हमेशा बहुत मजा आया है, हमेशा। हाँ, पहली दफा तो मुझे फिरदौस जमाल साहब के साथ, ठीक है, एहसन खान। अच्छा, हाँ, इसमें कोई इसमें मैं सामने बैठा हूँ। हाँ, चलो जिस वजह से भी एहसन मेरी जवानी की औलादों में से एक है। मेरा बेटा बना कर साल से इनका बच्चा बन रहा हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट, ये और आयजा, आयजा। अच्छा नहीं, जो जो आपके शौहर बने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो शौहर बने, क्या है, क्या कहा? फिरदौस जमाल बोल दिया। फिर जिनके साथ अच्छा लगता है, शब्बीर जान है, फिरदौस जमाल है, वसीम अब्बास है। साजिद भाई, टॉप ऑफ द लिस्ट। एंड में नाम आया सर, एंड में ही आना, एक सीरियल के बाद हटा दिया इससे मुझे। मुझे बताएं, ये आज सही फंस गई। सुने, नूर जहां का नाम आखिर में आता है कि नहीं आता? ओहो, सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद कुछ नहीं रहता। ओहो, सबा जी क्या बात कर दी यार। सबा, आई स्वेयर टू, हम लोग मजाक कर रहे हैं, तू बुरा ना मान लेना। नहीं, आप 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 आपके हम खादे हैं, आपके दोस्त यार, मेरी कदर का ना वो, आप बेकदरे हो रहे हैं। आपने देख लिया कितना ह्यूमर है इनके अंदर, यू नो, बहुत ह्यूमरस है तुम। ठीक है, अगर मेरा बस चले तो मैं ये तो जरूर करूंगा। अगर मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान में तालीम और सेहत बिल्कुल मुफ्त कर दूं, मुफ्त टोटली। तो ये कब करेंगे? जब मैं नहीं, मेरे से ना चाहते हैं लेकिन करता मैं है। अपनी मदद नहीं कर पाया बेटे, लेकिन ना मतलब मेरा चाहता है दिल। ये तो मुल्क वाले कोई साथ कोई साथ साथ देंगे तो हम कुछ कर सकेंगे, अभी तक तो ऐसा कुछ। सही है, ठीक है जी। इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे तेज लड़का कौन है? मेरे ख्याल में मुनीब भट्ट है, वैसे बड़ा तेज। ठीक है, ओके। कोई खास इमन का मियां, वो बड़ा शार्प है वैसे। ठीक है, किस तरह से कह रही हो शार्प? स्मार्ट है वैसे तो, अभी आजकल थोड़ा सा हुआ है, लेकिन यदि ब्रेन वाइज इज वेरी शार्प। हाँ, शार्प। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा जी, आप क्या समझते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी एक्ट्रेस कौन सी लगती है? जाहिर है। आप मुझे कत्ल करवाएंगे, असबा फैसल। इससे बड़ी अदाकारा, इससे खूबसूरत अदाकारा, इससे शानदार अदाकारा, बासलाहियत कहें। जब ये होता है तो लगता है एक अदाकारी नहीं, कोई अजीब सा मौजा चल रहा है। थैंक यू। अच्छा चले, सपा जी तो हो गई ना यार, सामने बैठी। अब एक और नाम ले यार, इससे अच्छा बेस्ट से हम कहते, लेकिन यू हैव रियली, यू थिंक कि यार बड़ा पोटेंशियल है, और आई हैव रियली एंजॉयड वर्किंग विद दिस एसएन। और ये देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि आजकल के जो हमारे एक्टर्स नए आए हुए हैं, मैं उनका बड़ा बड़ा कमाल बच्चे हैं, और इसकी वजह ये है कि दे नो द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दे अप अगेंस्ट। ऐसा तो नहीं है ना कि वो उनके पास कॉम्पिटिशन नहीं है। इंडिया, अमरीका, मतलब दुनिया में जहां जहां फिल्में बनती हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन है। अब आपका, आपने अपने मुल्क का नाम अपनी फिल्म के थ्रू, इंडिया है, एक फिल्म निकले पूरी दुनिया देखती है उसको। उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों में इंडियन एक्टर्स डालने शुरू कर दिए, उनको पता है कि 122 करोड़ लोगों को ऑडियंस आ रही है। हम भी 22 करोड़ लोग हैं अगर हम तरीके से चलें, मगर हमें
प्रॉब्लम ये है कि हम उसकी मोरालिटी को नहीं समझ पाए अभी तक. देखिए कॉन्फ्लिक्ट से बनती है, ड्रामा बनता है झगड़े से, तसादुम से. ये बैठने से, जैसे ये हम बैठे हैं दो घंटे से, ये तसादुम नहीं हुआ. सही है. किसी एक अभी नाम लें किसी और का तसादुम हो जाएगा, कोई मसला नहीं. आप सवाल से हट रहे हैं. नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तसादुम को दिखाने के लिए फिर बहुत सारी चीजें, बहुत खुलापन चाहिए. आपको सेंसरशिप को भी देखना पड़ता है यहाँ. सही है. हाँ, एक ही चीज को एक ही तरह से, एक ही तरह से दिखाते दिखाते हमें 70-75 साल हो गए भाई. हम तो थक गए हैं वैसे तो, लेकिन लोग भी नहीं थके और वो भी नहीं हुआ. लेकिन हमने कहीं ड्रामे को ना एक जगह मुकैद कर दिया, कैद कर दिया. और उसकी वजह ये है कि वो जो चलाने वाले हैं उनके अंदर वो शऊर नहीं है, वो ड्रामा राइटर्स नहीं है, मार्केटियर्स हैं, वो ट्रेंड्स देखते हैं, वो एल्गोरिदम्स पे चलते हैं. लेकिन जैसे इसने कहा, लेकिन ये तो पूरी दुनिया में एल्गोरिदम और ट्रेंड्स, और ये तो पूरी दुनिया में नहीं, बट दैट डजंट मीन कि आप देखें कई फिल्में ऐसी हैं कि जो अब जब शुरू हुई थी तो फ्लॉप थी वो बिल्कुल. मेरा नाम जोकर इंडिया की फ्लॉप थी जब आई, मगर बाद में उसने क्या अभी तक चलिए. आप स्टूडेंट अब ये जो दुनिया में अमेरिकन हॉलीवुड की जो सबसे बड़ी फिल्म है वो है सिटीजन केन. जब वो बनी थी ऑर्सन वेल्स की, इंतहाई बड़े बजट के साथ थी, एस्ट्रोनॉमिकल बजट है उसका, लेकिन फ्लॉप हो गई वो बिल्कुल, क्योंकि उस जिस आदमी में लिखी थी उसने उसको मेक श्योर किया कि वो फिल्म ना चले. वो बहुत बड़ा एक टाइकून था अपने वक्त का. लेकिन अब वही फिल्म इतने सालों बाद हर फिल्म यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है. ये बात तो ये कह देना कि आपकी फिल्म मुझे आम को पसंद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे पता है एक चीज बहुत अच्छी बनाई है और इसके अंदर जो पैगाम है वो आज से 200 साल बाद भी कोई देखेगा ना तो उसको अच्छा लगेगा. अच्छा लगेगा. सही है. ठीक है. ये है असल में मोरालिटी चेंज करने के लिए, हमारे लोगों को ये बताने के लिए कि औरतों को इक्वल समझो, उनको कि हर वक्त सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह से मत देखो, अपने अंदर शऊर लाओ, खुल के अगर आपने आजादी से गुजारना है अपनी जिंदगी को, आप दुनिया तभी आपके पास टूरिज्म आएगा ना कि जब आप उनके साथ मिलके अगर आप उनको ऐसा माहौल दिखाएंगे जहां वो दहशत आगे करे क्या, शाम को कोई चीज नहीं है, पार्क नहीं है, थिएटर नहीं है, फिल्म नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट सिर्फ ये है कि बच्चों के लिए कुछ नहीं है, किसी के खाने चले जाते हैं बस, मैक्सिमम कराची में तो वो भी नहीं है. ये लोग पंजाब, मतलब पंजाब में तो जीते ही खाने के लिए. यकीन करें समझिए कराची का खाना बहुत अच्छा है. नहीं, नहीं मैं खाने की बात नहीं, खाने तो यहाँ के तरह तरह के हैं. निकल के नहीं नहीं लोगों के पास टाइम नहीं है घर में इनवाइट करें. मैं ये समझता हूँ कसम खुदा की वो बात कि पाकिस्तान में कहीं भी आप चले जाए ना आपको इंतहाई अच्छा खाना मिल सकता है. मैं भी हुंजा होके आया, केपी के होके आया, सब तो डिशेस वर्फ है. मैं उनके लिए 15-20 मिनट ज्यादा आया करता हूं. हर इलाके का अच्छा वो है. ठीक है जनाब, बड़ी मजे की गपशप मारी जा रही है. हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. यार जरा म्यूजिक चलाना साजे पे भी यू ही किया आपने, म्यूजिक बंद करिए. ये ये सभा को पसंद आ गया, सब चलते हैं. चले चले फ्लोर पे डांस पे. यार जवानी निकाल दी, किसी ने गाना ही नहीं रिकॉर्ड किया मेरा, मैं इतना डांस करता था. आप यकीन करें ज्यादा नहीं, सारी डाली है ये, बहुत मुनासिब किस्म की ये, इसमें सॉस थोड़ी सी, ये बड़ा एक्सट्रावेगेंट तरीके से फैला. आपको तो स्पाइसेस वैसे ही बड़े पसंद है. एक एज आ जाती जब टेस्ट ही खत्म हो जाता ना बेटा तो उसको सिर्फ मिर्च ही रह जाती. ये तो भी यंग है बेचारी, अभी तो छोटी है. हमारी उम्र में आएगी ना तो पता लगेगा. नहीं नहीं अभी नहीं आना चाह रही मैं. यार मुझे सच में एक बात बताए, डू यू कुक एट होम? आई हर्ड यू कुक वेरी वेल. मुझे लगता है कि आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट. आप पकाते हैं? नो, डोंट कुक. नहीं यार, हु कुक्स फॉर यू? बहुत सारे लोग. आपकी बेगम है वो क्या बना के खिलाती है स्पेशल? बेवकूफ से बनाती है मुझे. यार ये नहीं हो सकता. नहीं पकाती शिकला, शिकला जैसे में हम लोगों का काम नहीं है पकाना शिकाना, मगर ये कि जब वो पकाना चाहती है तो बहुत पका सकती है. शी कैन कुक, आई मीन इट्स नॉट दैट.
ओके, आप पहला सवाल सभा जी आपसे करें, साजू भाई से करें पहला सवाल। नहीं यार, खवातीन फिल्म सभा जी आपसे पहला सवाल। चले, अगर गलत जवाब दिया तो खाना पड़ेगा ये दोनों। हाँ। घरेलू सवाल लिख दिया है क्योंकि आपने कोई ज्यादा आप स्टेटमेंट से नहीं देती। अच्छा, मैं बड़ी फ्रेंडली सी मेरा है ना। घरेलू सवाल ये है, पानी की तरह है, हर एक के साथ दोस्ती है। अच्छा ठीक है, पिछले दिनों आपके और आपकी बहू के हवाले से कुछ सोशल मीडिया पे बहुत आपने किसी को लिख दिया था तुम जाओ जहन्नम में। यार हमारी डायरेक्ट उसको जहन्नम में भेज दिया भाई, हमारी जाती जिंदगी को इतना ज्यादा आप खाते हुए बोल रहे हैं। हाँ, ये खाते हुए ऐसे नहीं, अच्छा ये खाएं ये खाएं, ये अगर आप डाइट पे है ना, अगर आप कुछ नहीं है तो ये खाएं। यार एक डाइट पे तो ये हैं, तभी तो ये मिर्चे खा लेगी, खाना नहीं खाएगी। हाँ, ये मिर्च ये खा लो ना, क्या खाऊं जो मर्जी ये खा लो, हम कंफ्यूज ही होगी। ये देखें, ये खवातीन हज़रात अपने वेट का ख्याल करने के लिए मिर्च मिर्च खा गया है। चले खाएं ना सब्बा जी, खाएं ये पूरी खाएं ना, ये क्या है ही नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा आप बताएं, हमारी जाती जिंदगी, मेरी बहू से किसी ने ये पूछ लिया कि उसकी तस्वीर में मेरा बेटा नहीं था। उन्होंने कहा कि आपके शौहर कहाँ होते हैं, उसने कहा कि ये तो आप उनसे ही पूछें। बस फिर एक सोशल मीडिया पर जंग शुरू हो गई कि ये तो इनकी अलहदगी हो गई है और इनकी अलहदगी करवाने वाली सभा फैसल है। वे, वे, वे। वो और जितनी बुरी सास टीवी पर है वो वैसी सास इधर भी है। नहीं, नहीं, लेकिन अब सबके कलेजों में ठंड पड़ गई है, हमने सात तस्वीरें खिंचवाई हैं। अच्छा, और उन दिनों आपका कयामत ड्रामा चल रहा था जिसमें आप एक जाल, ये इतनी जालिम सास बनी थी, बेटे के साथ मिलके बहू का तिया भांजा करती है ये। यदि आप क्या करती क्या है, आपको शर्म नहीं आती? बस ये पूछे जरा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से। अच्छा आप क्यों, मैं ऐसा रंग भरती हूँ ना उसमें, हकीकत का। अब तो हम हकीकत का, ऐसा कुछ अपनी बहू के साथ कोई मसला नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। सोच के जवाब दिया मैंने, बड़ी सोच के। हो सकता है उसको हो, क्योंकि आप नए घर में जब आते हैं तो आपको सेटल होने में, मैं कहती हूँ 5 साल चाहिए। सही है, उससे पहले नहीं। कई दफा तो सारी जिंदगी भी लग जाती है, सारी जिंदगी भी। लेकिन ऐसा कुछ इतना ज्यादा कुछ था नहीं जितना सोशल मीडिया पे होती नहीं। उसको सबसे अच्छी सास मिली है, सबसे बड़ी बात। मैं तो घर पर ही नहीं होती, और जितनी देर घर पर होती घर को देख रही होती हूँ, मैं अपनी बहू को देखती हूँ। अब तो माशाल्लाह मैं दादी बन गई हूँ, तो मैं अपने क्या नानी भी दादी भी, नानी भी दादी भी, तो मैं उसको देख रही होती हूँ। तो फिर आपने किसको लिखा था जाओ जहन्नम में, किसी किसी को लिख दिया था जो कमेंट, किसी ने बस ऐसे कमेंट दिया, कमेंट बहुत गंदा सा किया था। मैंने कहा तुम जाओ जहन्नम में। देखिए ना, लोगों ने पर्सनल बातों पे गंदी गंदी बातें शुरू कर दी। इनके जवाब ही क्यों दें यार, छोड़ें आप भी तो। अच्छा वैसे मुझे देना नहीं चाहिए था, लेकिन गुस्सा आ गया था। आप स्टैचर देखें, हर एक से लड़ेंगी, हर एक दीवार से लड़ेगा आदमी, तो परेशान रहेगा। बड़ा मुश्किल होता है, मैं तो कमेंट्स मुझसे पढ़ा ही नहीं जाते। मुझे ऐसी ऐसी गालियां दे, आज सब कुछ बोल देते हैं, मैं कहता हूँ बेटा गाली कर देना, ऐसे नहीं कर। बुरी बात, सही बात। और क्या? अच्छा जी साजिद भाई खाइए, मैं तो हर चीज खाने को तैयार हूँ। अच्छा मैं खाऊं, मजे का सॉसेस के साथ खाने को देता हूँ। ओके, एंजॉय, टिश्यू दो दो। ओके, देयर यू गो जी। हां जी, पहला सवाल आपसे ये कि आप एक शो में गए थे, जिस शो में मेहमान बन के आप गए, वहां पे आपने गुस्सा दिखाया, होस्ट वसीम बदामी ने कोई सवाल किया और आपको बहुत बुरा लगा और वो ऑन एयर भी हुआ, ये क्या चक्कर था? कोई उसको बदामी ने मुझे पहले पैसे दिए थे, उसने कहा आज आपने ऐसी कोई हरकत करनी है मेरे साथ कि जिसमें वायरल हो जाए। वो वायरल हुई यार, ये हमने क्यों नहीं किया यार, ये हमने क्यों नहीं किया, करें करें। कहां है एक्सप्रेस की टीम? बहुत तेज आदमी है बदामी, जितने बादाम खा के प्रोग्राम करता है उतनी दफा तो आप कपड़े नहीं बदलते दिन में। और उसके अंदर एक खास बात, बादामी ईद के सीजन में ईदी के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, रमजान में, रमजान, मैं रमजान नहीं कह रहा, आपने कह दिया ये बात सच। नहीं नहीं, वो उसके अलावा पॉलिटिक्स, क्रिकेट, एनीथिंग, ही इज ऑल राउंडर, नो डाउट नो डाउट। तो अब वो आप उन्होंने एयरवे में, वो जेन्युइन गुस्सा नहीं था वो आपका, बस एक ऑफ कोर्स नॉट, ये हमारे जेन्युइन गुस्सा, हमें रोज देखते हैं गुस्सा, जैसे इतनी जालिम सास बनती है। हाँ, कोई ऐसा को बुरी बात कह दी होगी तभी तो असली बहू ने मिला है। पूछो और मैं खा रही हूँ, ये लो मुबारक। ठीक है जी, क्या 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 बताएं। अच्छा, हमने सुना, सभा फैसल से सवाल है कि हमने सुना है कि आपके बच्चों ने आपसे खासी मार और डांट खाई है और अभी भी सारे बच्चे डरते हैं। अब डरते हैं नहीं, ये तो मुझे नहीं वैसे पता। हाँ। लेकिन खाई भी है मार। हाँ? बहुत। अच्छा, और वो तीनों बच्चों को,
तीनों आप पढ़ी लिखी नहीं है मेरे घर। हाँ वैसे आपको एहसास हो गया। मैं वैसे आजकल की माएं देखती हूँ ना, बहुत अच्छी माएं हैं। अच्छा, मेरी बेटी जिस तरह से उसने अपने बेटे को पाला है, उसने मारा उसको, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जैसे मेरी बहू उतना छोटा सा है, उस वो रात में कह रही थी कि वो सो रहा था मेरी गोद में, तो नेहा कहने लगी कि अम्मा ये ना इसका मूड अच्छा नहीं है। तीन माँ का है वो। अच्छा। मैंने कहा इसका मूड अच्छा नहीं है, कहते सोते हुए ना, सोने से पहले इसका मूड अच्छा नहीं था, इसलिए इसने चेहरा ऐसे बनाया हुआ है। मैंने कहा लो, उसको बेचारे को पता भी नहीं होगा, लेकिन वो एक्चुअली हाँ। और वो कहती है वो रोने नहीं देती बच्चे को, कहती इसको मैं बिल्कुल। लेकिन अब अपने बच्चों से आज आप पूरी कौम आपको देख रही है ऐसन का। लेकिन हम लोग हमारे जमाने में हम लोग बहुत मारा करते थे। मैं तो माफी मांग ले बच्चों से। हाँ बच्चों सॉरी, मैंने बहुत मारा, लेकिन आप लोगों की बेहतरी के लिए मारा। लेकिन वो हरकतें आप लोगों ने आज भी नहीं छोड़ी। जितना मारा उतनी पक्के हो गए। पक्के दो वाले तो बड़े ही पक्के वाले हो गए। ठीक है जी, फिल्म मालिक बनी, आप उसमें थे, खाइए ना साजिद भाई। जी जी। वो बैन हो गई, आपने बहुत शोर मचाया, और अभी एक फिल्म और बैन हुई है, और क्या कहेंगे आप इन फिल्म बैन करने के हवाले से, क्या आप कहना चाहेंगे आप? बुरी फिल्म और अच्छी फिल्म का एक बड़ा मसला होता है कि कौन सी फिल्म अच्छी है बुरी है। बैन करके कम से कम ये हिट हो जाती। हाँ अच्छा, ये भी होता है बैन करने से हिट हो जाती है, ठीक है। तो वो पहले शायद उसका नाम नहीं हो रहा होता, फिर बाद में चल पड़ती है। इट मेक्स सेंस ना, आई मीन कंट्रोवर्सी, करोड़ों लोग इट डज मेक थिंग पॉपुलर, फिर ज्यादा लोग देखते हैं उसको। ये तो साफ देना, आपको कह दूं यार ये चीज नहीं देखना। हां तो देखेंगी। हां ओके, ये प्रोपेगेंडा पुराना गोयबल शोयबल ये है। बट यू थिंक इसमें कोई रियलिटी थी? और आपको क्या, आपको फिल्म देखिए मेरी बात, जब मालिक बहन की आपको असल में नहीं था कि यार क्यों, क्या मुसीबत है? क्या देखिए मैं आपसे रिस्क करूं, क्योंकि मैं उसके पूरे सब्जेक्ट मैटर को मैंने देखा हुआ नहीं था। मैं एक छोटा सा किरदार कर रहा था आशिर के वालिद का, 3-10 सीन थे मेरे, 2-4 उसमें मैं क्या, उसने मुझसे कहा आप करें, और मगर मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसास था। एक सर्विंग जनरल का कैरेक्टर मैंने किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी इन द आर्मी एंड आई वॉन्टेड टू, नहीं कर सके अदाकारी शुरू कर दी तो, मगर ये कि मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास था, एंड आई वॉज वेरी 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 ऑनर्ड टू डू इट। ठीक है, जबरदस्त है। ठीक है जी। अच्छा जी सबा जी, आपसे सवाल है, खाइए। क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन में अभी उषना शाह के साथ आप गई हुई थी अब्रॉड, वो एक कमर्शियल का शूट था, उषना साथ थी, आप थी। किसने कहा आपसे कमर्शियल का शूट था? अच्छा कमर्शियल नहीं था। हाँ अनुराग कश्यप, क्या था वो भाई? जो भी था वो अब जब नजर आएगा ना फिर पता चलेगा। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जो भी था। अच्छा नहीं ऑब्वियसली आपने बड़ी बहुत तारीफ, अच्छा आप, बहुत अच्छा। अब आई रिमेम्बर, अब बता रही थी आप मुझे, बड़ा आप कह रही थी बहुत अच्छा डायरेक्टर और बहुत मजा आया काम करने में। आगे कुछ नहीं बताना क्या था साजिब। डू यू थिंक के ये होना चाहिए क्या, मतलब फील जैसे जो भी एक लाइक इश्यूज हमारे बहुत ज्यादा हैं और हम वी स्टैंड विद आवर कंट्री ऑब्वियसली, बट डू थिंक के ये बाहर पे एक्टर्स को एक्सपोजर और काम करना जरूरी है? जरूरी नहीं है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रिविलेज, होना चाहिए। आप भाई बाजू में क्रिकेट खेलते हैं, आप हमारी टीम खेलती है और दूसरों इंडिया के साथ जब खेलती है अलग मजा है ना, तो आप बाकी चीजें क्यों रोक रहे हैं यार, करना तो है ना। आपने लोगों को इंटरेक्ट करने की इजाजत देनी चाहिए, और पाकिस्तान में तो हमारी तरफ से तो कम मसला, उधर से ज्यादा मसाइल हैं। यही भाई बड़ी बात है, इसको जारी रखो, लोगों को पता हो कि हम बहुत आजाद तबा हैं, हम नहीं प्रॉब्लम कर रहे, ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक इमरान खान दैट वे इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, वंडरफुल जॉब। अभी इंडिया की सीरीज दिखा रहे थे साउथ अफ्रीका पीटीवी पे, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया, क्यों व्हाई नॉट। आप कहीं ना, आपने देखना है कहीं, तो आप तो देखेंगे, आपने फिल्म देखी है वो भी देखेंगे, व्हाई स्टॉप एनीथिंग यार, खाएं साथ साथ, अनलेस अंटिल इट गोज अगेंस्ट योर यू नो पर्सनल। आप देखिए आपकी मेरी बात सुने, मुझे लगता है कि थोड़ा यार जो आपकी, जब आपके मुल्क के खिलाफ की बात है, देख लो यार, मैं तो देखता हूं उनकी फिल्म में बहुत सारी प्रोपेगेंडा पे बेस्ड, प्रोपेगेंडा पे बेस्ड होती है तो फिर वो बहुत तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अच्छा। उनकी ज़हनियत दिखाई देती है। सही। एक फिल्म में ये कर लिया, इट्स जस्ट प्रोपेगेंडा, ये फिल्म इसीलिए चलती नहीं है ज्यादा। सही सही। ठीक है जी, अगला सवाल साजिद हसन से ये है कि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की, कॉमिक काम भी लिखा आपने कॉमेडी का, लेकिन एक दौर में ड्रामास के स्क्रिप्ट पर तनकीद भी की, तो क्या ख्याल है आप, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए मेरी ओरिएंटेशन, मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया, या माशाल्लाह, तो मैं राइटर बनना चाहता था, तो मेरे वालिद ने बड़ा पैसा लगाया हुआ उस राइटर में, मगर मेरा एक्टर ज्यादा मशहूर है। मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे लिखने नहीं देते, और क्योंकि मेरे सब्जेक्ट, क्या मतलब लिखने नहीं देते? अरे भाई वो ट्रेंड, मैं सास बहू तो नहीं लिखूंगा ना, ये प्रॉब्लम
नहीं तो वो समझ नहीं आएगा जो आप लिखेंगे, कि चेंज भी आना चाहिए अलग भी। तो जब आप मैंने समझदार आदमी लिखेगा ही नहीं तो फिर कैसे? कछुआ खरगोश बहुत पहले लिखा था, बहुत पॉपुलर था, बहुत पॉपुलर। मैंने किया डीजे, मिस्टर डीजे जो शेखी और तलत हुसैन और बहुत सारे नए लोग थे उसमें, जो अब सब काफी से ज्यादा स्टार्स हैं। लेकिन इट्स अ वेरी 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 लेबर इंटेंसिव जॉब। एक्टर की ऐसे इतना लेबर इंटेंसिव नहीं है जितना डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए होता है। और लिखना और भी हजारों प्रॉब्लम्स आ जाते हैं राइटिंग में। क्या किस टॉपिक पे आपको पसंद है कि आप लिखें? तो देखिए आई वुड लाइक, मैंने भी एक सोचा हुआ है, क्राइम सीरीज है एक इंस्पेक्टर डार के नाम से, जो मैं काफी अरसे से लेके घूम रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मैं खुद ही किसी तरह करूंगा, बिकॉज हमारे यहाँ अभी तक कोई क्राइम बेस पक्का काम नहीं। क्राइम बेस, अच्छा सही। हमारे यहाँ बेतहाशा क्राइम है, और आप जब तक लोगों को उनके राइट्स नहीं बताएंगे, उनको ये नहीं बताएंगे क्रिमिनलिटी क्या है, ये वो, अभी तक हम इस हवाले से एजुकेट नहीं कर पाए अच्छी तरह। बहुत अच्छा टॉपिक है वैसे, बाकी और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये लर्निंग बड़ी हो जाएगी लोगों की। ठीक है जी, सभा जी आपसे सवाल ये है, सुना ये है कि जब सेट पे अगर जरा हीरोइन या कोई भी थोड़ा सा ओवर हो रहा हो तो आप उसे खरी खरी सुना देते हैं कि भाई सीनियर्स के साथ जरा सही रहो, ऐसे वैसे नहीं? अपने दिल में सुनाती हूँ खुद को, उनको नहीं सुनाती कभी भी। दिल में बोल देती है? हाँ, दिल में बोलती हूँ, उन्हें नहीं कहती। टोटल नॉन कॉन्फ्लिक्ट। इनको बचाए दुनिया में बिल्कुल पीस आ जाएगा, यकीन कर। इनको करते इन्होंने कुछ भी नहीं करना, जी जो ने बड़ा मारा है। फिर वो जो आगे मोहब्बतें और प्यार व्यार जो दिखाना है ड्रामे में, वो फिर मुझसे हो नहीं सकता, फिर खराब हो जाता है अगर आपकी लड़ाई। अभी केमिस्ट्री अच्छी, केमिस्ट्री के लिए ना, हाँ, तो यू रिमेन पॉजिटिव। लेकिन आप कोई इनडायरेक्टली किसी तरीके से तो बोल देती होंगी ना यार, कि मैंने तुम ये नखरे कर रही है, कोई 3 बजे आ रही है, कोई 2 बजे। तो वो मैं प्यार मोहब्बत से भी कह देती हूँ बिल्कुल कहती हूँ, जब खुद को तकलीफ हो रही हो, आप वेट कर रहे हैं या आप, तो मैं तो कह देती हूँ, लेकिन प्यार मोहब्बत में नहीं कहती कर सकता हूँ। ये जितनी भी प्यार से आती है ये कह देती है 8 बजे मैं चली जाऊंगी। और वो सिस्टर है, मैडम वो सभा एक छोटा सा एक सीन रहेगा, आधा मिनट में नहीं, 8 बजे खुदा हाफिज़। देखिए अब तो हमारा राइट है ना, कि अगर आप सुबह टाइम से आए हैं तो टाइम से जाएं, आप से जाएं, बिल्कुल सही है, इट इज करेक्ट, राइट, कि आपने इतने से टाइम लिया, मैं खत्म हूं। ठीक है जी, साजिद भाई से आखिरी सवाल ये है कि ये बताइए साजिद भाई, कुछ अर्सा पहले आपने कंप्लेन की कि प्रोड्यूसर्स ने अपना ड्रामे में सीनियर एक्टर्स को कास्ट करना छोड़ दिया, यहाँ बड़े अच्छे रोल देना कम कर दिया, हमारे लिए रोल नहीं लिखे जाते, इस तरह के ये कहा आपने, आपको लगता है ऐसा है? ऐसा ही है, यानी माँ बाप या एक फिलर टाइप होते हैं बस वो कैरेक्टर्स में ज्यादातर, किसी सीनियर के लिए ड्रामा या फिल्म लिखी नहीं जाती? नो, एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए, कुछ बच्चों के लिए भी देखा जाता है। बेटा यहाँ बच्चों के लिए कुछ नहीं करते, मैं बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। उफ यार, ये मुझे बड़ा कुछ नहीं करते हम अपने बच्चों के लिए। Something for the kids, अगर आपने सेसमी स्ट्रीट बाहर के प्रोग्राम दिखा रहे हैं तो वो बाहर के, आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। तो यहाँ तो बहुत अभी वैक्यूम है बहुत ज्यादा, एक तो खौफ है, यहाँ एक दफा एक चीज हिट हो जाए बस उसी की तरह 10 साल तक बनाते रहेंगे, एक आदमी एक तरह की कैरेक्टर में वो हिट हो जाए आपको वही कैरेक्टर मिलता रहेगा, ये है अजाब। तो यू थिंक के काम जो है वो सही नहीं हो रहा और बहुत बेहतर हो सकता है? मैं ये नहीं कहना, अभी भी सही हो रहा लेकिन बहुत वी कैन डू मच। हाँ, ये बात है कि डिसहार्टन तो मैं नहीं कहता, बहुत इंपॉर्टेंट एक फेज से हम गुजर रहे हैं, हमें जरूरत है कि लोग अच्छा काम करें, मेहनत बहुत करते हैं लोग, बुरे से बुरा सब्जेक्ट आपने उठाया हुआ, मेहनत तो वही लगती है ना यार। तो अगर आप सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा कर ले, कॉन्टेंट थोड़ा सा डेयरिंग हो, आपके इतने मसाइल हैं आपके यहाँ, एजुकेशन खवातीन हजरात का मसला है, 10 चीजें, और कुछ ड्रामों की बनाने की तादाद जरा थोड़ी कम करेंगे तो जरा अच्छे ड्रामे बनेंगे। अब हर रोज 2 ड्रामे नए आ रहे हैं, एक नहीं हो पा रहा, लोग इतना नहीं देख पाएंगे, यू नो इट्स प्रॉब्लमैटिक। तो आई थिंक हम और जॉनर्स में कॉमेडी की स्टैंड अप करें। बिल्कुल सही है जनाब, बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट किया, अच्छा खूब मिर्चे खाई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अगली गेम जाने पड़ेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। Time out with Ehsan Khan, Sajid Hasan aur Saba Faisal hamare sath maujood hain aur hamara segment hai chutti band. Ab janab, is segment mein hota ye hai
कि कुछ सवालात यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, ताकि हम थोड़ा सा, वो इसलिए होता है साजू भाई कि सर एजुकेशन तो नॉलेज ही नहीं, तो जनरल जनरल को मैं जानता हूँ, बता, यस सलाम जनरल, ठीक है। अच्छा, तो ये नॉलेज इसलिए भी हमने ये सेगमेंट रखा इसलिए कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमने बच्चों ने पढ़ी होती है, स्कूल में पढ़ी होती है, कभी कहीं देखा होता है, भूल जाते हैं, लेकिन वो ऑडियंस के लिए भी, हमारे लिए भी उसका दोबारा से हमें मेमोरी में आ जाता है कि यार अच्छा ये है, तो वी ऑल्सो लर्न इट्स काइंड ऑफ एजुकेशन, राइट। बट उसके साथ ऑब्वियसली हम एक फन मस्ती भी करते हैं, तो इस ट्रेजर बॉक्स में बहुत खूबसूरत चीजें हैं जो आपको ओढ़नी और पहननी होंगी। यार मुझे क्या ये मजे का लगता है वैसे मुझे, ठीक है, मजे का आपने देखा हुआ? हाँ मैंने देखा, साजू भाई आपने देखा हुआ? नहीं आपने देखा, इसमें से बड़ा मजे मजे का जोकर बन सकते हैं आप, मैं तो तैयार हूं, मैं इसके अंदर घुसने को तैयार हूं ताकि तू मुझे ले जाए ये डब्बा ही उठा के ले जाए। अच्छा जी, पहला सवाल, जवाब जल्दी देना, फौरन फौरन फौरन, ठीक है। पहला सवाल ये है, द खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद, ये स्क्रीन पे देखिए, चाइना, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान? अफगानिस्तान, मेरे ख्याल से तो ये चाइना के साथ। सही जवाब है, अफकोर्स अफगानिस्तान। यार आपको पता था, आपको पता था, हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर और मेरी ज्योग्राफी तकरीबन एक जैसी है वो फ्रांस और जापान को मिला रहे थे। अच्छा ये खुल के आप नंबर चूज में से करें, आप क्या क्या निकाल? मैं तो तीन नंबर, नंबर तीन, क्यों, वजह क्या? नंबर तीन मेरा बर्थ का डेट है, तो आई लाइक दैट। नंबर तीन में जो निकला है ना जनाब, वो ये निकला है, लाओ लाओ। ये रख लें आप, ये रख लें, वाह वाह वाह, ये म्यूजिक भी बज रहा है। सपाजी आपको बड़ा याद था, हाँ, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये तुमने जान के इसको दिया है ताकि मैं डेविल लगूं। अभी देखिए मुझे भी मिले, डेविल साबित कर। अच्छा जी, अगला सवाल ये, द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोन मार्बल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्रोविंस, पंजाब, बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा? जाहिर है बलोचिस्तान। नहीं मैंने पहले कहा, नहीं मैंने कहा, कोई तो जवाब मुझे भी सही देने दे, ये सही है, चले बलोचिस्तान। बिल्कुल सही है, आप दोनों ने बोला था। हाँ पहले वैसे उन्होंने बोला, ठीक है तो आप चूज करें, हालांकि आपने सही पर आपको मालूम था, लेकिन आप चूज सेवन, नंबर सेवन। सभा जी को दिए जाएंगे हल्क ग्लव्स, ये जरा अच्छी सी चीज है, ताकि आप लोगों को जोर जोर से, ये क्या आपको लगता है इनको सूट कर रहे हैं हल्क ग्लव्स? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मार दे, ठीक है जी। अगला सवाल, जवाब जल्दी देना है, जवाब सवाल ये है, द हाईएस्ट ऑफ सिविल अवार्ड्स एंड डेकोरेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज निशान ए पाकिस्तान, हिलाल ए पाकिस्तान या निशान इम्तियाज? निशान ए पाकिस्तान। अच्छा आपको लगा निशान ए पाकिस्तान? मुझे लगा हिलाल ए पाकिस्तान। ओके आपको लगा हिलाल ए पाकिस्तान, सही जवाब है। Oh my God! मैं क्या करूं? मैं इतनी intelligent। वो पहले ही कह रहे थे current affairs। मुझे पता है ये इसने नतीजा पहले ही out किया है। जी नहीं। साफ से बता। मतलब आप समझते हैं मैं goof हूँ? Goof नहीं हूँ। चलाक हो तो। तुम चलाक हो। तुमने इसे पहले ही पूछ लिया है। मैं गधा था, मैं वहां घूम रहा था, इसलिए बताया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं सभा, मैं नहीं खेल रहा। मैं नहीं खेलता। अच्छा पहले मुझे कहते हैं, नहीं नहीं सभा जो है ना उसको अंडरस्टैंड है, वो करंट अफेयर्स की खातून है। और क्या पता है? आपको पता है? लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो है ना कोई कुछ हो गया। आपको पता है लोगों को क्यों बता रहे हैं? कोई स्क्रिप्ट लीक हो गया लगता है। अच्छा जी साजिद भाई चूज करें। आठ, नंबर एट। Dang, 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 dang. Wait. Dun, 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 dun. Maaf kiya. Maaf kiya. Mera number aage, do equal hoge. Baby, two, two equal hai. Halanki main haar raha hoon. Acha ji, agla sawal, gaur se suniyega. Bahut easy, thoda sa sochna padega. In terms of temperature, the hottest place. Jacob Abba, yeah, Sibbi. Sibbi. चलो मैं जैकब अबार। नहीं सिब्बी। ठीक है, सही कह रही है। सिब्बी आपने कहा, जैकब अबार। नहीं ये सही कह रही है। सही जवाब है जैकब अबार। अबे म्यूजिक बजाओ। नहीं साजिद भाई।
ये जीत की खुशी है, समझिए चूज करें। टू अब नहीं लग रहा, स्क्रिप्ट लीक नहीं हुआ। ये दो नंबर इसको पता है, पता नहीं क्यों शुरू के तीन ही बताए थे पर मैंने हाथ भी लगाया दो नंबर का। देखें स्टार शेप ग्लासेस यार, ये मुझे अच्छी लगती है लाइन। गौर से देखिएगा अगला सवाल। विच इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, साउथ चाइना सी, मेडिटेरेनियन सी या ब्लैक सी? ब्लैक सी है वैसे। मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन। चले एक और दे। लॉक करें, लॉक करें। आपने मेडिटेरेनियन बोला, आप साउथ चाइना नहीं, आपने कहा साउथ चाइना। आर यू श्योर? अब आप साउथ चाइना कह रही हैं या ब्लैक सी कह रही हैं, एक बताइए। साउथ चाइना। ये सर तुक्का मार रही हैं आप। हाँ, तुक्का। और क्या? तुक्का, तुक्का। अब भी आपको शक है? तुक्का। और यार ज्योग्राफी हम साउथ चाइना या ब्लैक, दोबारा लॉक करूं? साउथ चाइना। आपने कहा साउथ चाइना, आपने कहा मेडिटेरेनियन, एंड द राइट आंसर इज, जो कि मुझे भी नहीं मालूम था, साउथ चाइना। मैं क्या करूं यार, तुक्का चल गया। तुक्का सही लग गया, तुक्का चल गया। आप क्योंकि डूंगे पानी की खगी हैं, इन पानियों में आप ही पाई जाएंगी, मैं तो नहीं पाई। और उसने पहले किसी के बाप को भी नहीं पता साउथ इंडिया, यहाँ तक नहीं आए थे हम। बट वेरी डन, बराबर हो गया, कोई बात। वो कह रही मैंने तुक्का लगाया, अच्छा तुक्का है। साजिब भाई चूज करें आज। सिक्स, नंबर सिक्स। या ये साजिब को सारी चीजें सर पे पहनने के लिए क्यों मिल रही हैं? ओए ओए ये अच्छा है। ओए मेरी पागे, ये खुद पहने। आपको चीज दिखा दे। इसके साथ मेरी टुपे ना निकल आए, मैंने कहा गोंद भी सही नहीं लगाई हुई है। अजीब है जिले। ऐसी बातें नहीं बताया करते यार, पता होती है लोगों का। यार ये अंदर क्या पड़ा हुआ था डब्बे में। ओके जी, अगला सवाल ये है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। बैरोमीटर, थर्मोमीटर या बराबर हो गया। वन, नंबर वन। यार वन किसी ने लिया ही नहीं था अभी तक, देखें कब से पड़ा हुआ। ये देखे ना एंजल, ये तो मेरा है, ये इनका, ये मेरा है। मुझे डेवल ही रखना है तुम्हें। सुने सजा भी मिली तो खूबसूरत। समझिए ग्लव्स उतारो, ये पहनने पड़ेंगे आपको। कितने गए हैं? यार ये तो प्लेबॉय मैगजीन का कोई कवर लग रहा है। अच्छी तो लग रही हूँ ना, बस यार अच्छा लगना शर्त है बस। स्क्रीन लग रही है। अच्छा ये पहन लो, रहने दूँ? साजिब एक ग्लास वाल तो आपको बहुत आराम से आ जाएगा, है ना? और मुझे आपको भी आ जाएगा मुझे लग रहा है। वेयर इज द कोल्डेस्ट, दिखाई जी, वेयर इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड सिचुएटेड, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका? अंटार्कटिका। ओके, आपने कहा अंटार्कटिका और साजिब भाई आप बताइए। यार ये पहली कह रही है तो सही कह रही है। आप सही, ये सही कह रही है। मेरा सही, मगर मैं ग्रीनलैंड कह देता हूं। आपने कहा ग्रीनलैंड, ताकि कोई तो गलत करे ना, एक किस बेचारी। ओह माय गॉड, अंटार्कटिका सही है। यार बड़ा बड़ा है समझ। हाँ। ये तो तुक्का नहीं था आपको मालूम? नहीं ये पता था, ठीक है, ये पता था यार। साजिब भाई चूज करें जनाब। अब रह क्या गया भैया? नहीं नहीं, 5, 10, 5, 5, 5, 5, 5। माफ किया नहीं वो बेड़ा मेरे। आपको माफियां बड़ी मिली हैं वैसे। हाय 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 हाय। वाह
अगला सवाल जो कि है आठवां सवाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिम्युलेंट इन टी लीव्स इज वेरी इजी, रुसीन, कैफीन, ऑफ कोर्स इट्स कैफीन. Okay, you said caffeine. आपका क्या ख्याल है? Caffeine. आया नहीं चूठी. आया Not proceed. नहीं क्या? Okay. अब मैंने caffeine कह दिया. लेकिन लेकिन जिससे पहले जवाब दिया. मैं caffeine कह चुका. जिससे पहले जवाब दिया वो सही होगा. Caffeine. ठीक है सही जवाब है. साजिद भाई का जवाब बिल्कुल सही है. अब आप choose. Ten. Number ten. Number दस number. ये तुम दस number ही करते करते थक ही नहीं हो? अभी तक नहीं. ये क्या निकला? अल्लाह खैर. आय नहीं ये नहीं. बिल्कुल साफ है यार ये नहीं. ये मुझे पहना दे ये उन्हें पहन. थोड़ी देर के लिए रखते हैं. एक मिनट, पैमेला एंडरसन से लग रही हो तुम. ओह माय गॉड यार, साजिद भाई. नहीं रियली यार, बहुत प्यारी थी. बहुत गुड लुकिंग थी यार. वेरी ब्यूटीफुल. ये बेवॉच की वो जो पहला था. हाँ. ठीक है जी. सबाजी पहन कर वो पहले उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रही है. मैं अच्छा जुआ नहीं मेरी जुए. ठीक है जी. अगला सवाल बड़ा अहम सवाल है. द काउज मिल्क contains how much amount of water in terms of percentage? 60%, 65% या 80%? कौन बताएगा? आप बताएंगे पहले. 80%. नहीं, 60%. ओके जी, और सही जवाब है 80%. सबाजी चूज करें. फोर. नंबर फोर. सबाजी अपने विग की स्टाइल ठीक करती चली जा रही है. उसका अपना मुंह तो निकाल ले बेचारी उसके अंदर से. सही है. सबाजी आपका निकला ये पायरेट की जो हैट होती है ना, इसके ऊपर ही रखेंगे. इसके ऊपर ही पहनी चाहिए. The last question is, what animal has the worst memory? किसकी सबसे कम memory, बुरी memory है? The dog, the dolphin, or the elephant? मैं कहूँ elephant. अरे dog. अच्छा. नहीं. Dog की memory? नहीं dog की. आपने elephant, आपने elephant. Dog. सही जवाब है. सही बोला. Oh my God. सही बोला. एक मिनट. I think ये जो जिसने भी इसका जवाब दिया, उसे सिर्फ सून में पानी भरना याद रहता है और कुछ नहीं. एलिफेंट को 35 साल बाद भी याद रहता है यार. ऐसा रहता है क्या? बात कर रहे हैं आप लोग इनसे? पूछे आप देख लें इसको. हम गूगल करेंगे. आई डोंट नो. ये देखिए इसको गूगल करके देख लें. मेरा ख्याल से ये गलत है. डॉग थोड़ा सा शॉर्ट. चलें मुझे दें. मैं बताती हूं. 9 ऑफ 10 नंबर 9 रह गया. एक ही रह गया है और वो है पहना दे मुझे वो भी. एक नहीं आपका थोड़ी है. आपने सही बोला एलिफेंट. सही बोला नहीं लेकिन वो कह रहे हैं ये साजिद भाई को पहनना पड़ेगा. नशा है. हमारा जबरदस्त जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हुआ. अब हम आगे बढ़ेंगे. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. Thank you.
thank you and welcome back to Time Out with Ehsan Khan. The great Sajid Hasan is with us and I personally, Sajid bhai, honestly, jab hum acting ki baat main karta hu na, ki koi acting hame apne actor se seekhni hai, ya koi tone seekhna hai, ya koi style dekhna hai, to you're one of those actors ke main aapka kaam nikal ke dekha. No doubt. Yaar, Sajid, you're very kind. Very kind. हालांकि मैं अपने आप को एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट आदमी हर अच्छा आर्टिस्ट यही कहता है हम्बल हम्बल है हम्बल है क्योंकि यू नो आप अपने आप को जितना भी बड़ा अदाकार जो भी समझ लें खला बहुत बड़ी है आगे आपके लड़ने के लिए क्योंकि बहुत बड़ा काम है एक बहुत पुराना जो फलसफी ग्रीक था जब ड्रामे के बारे में उसने बात की कि उसने कहा कि पूरी दुनिया की कौमें उठी उन्होंने एक मिनट की रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश की और जब वो एक मिनट की रियलिटी क्रिएट ना कर सके थे वो थक के बैठ गए बड़ा मुश्किल है मुश्किल काम जिंदगी बहुत ज्यादा मौजाती है ये मतलब yes. एक आप देखें हम ह्यूमंस हमारी जिंदगियां ये खला फिर आप साइंस में अगर घुस जाएं तो आपका दिमाग ही खराब हो जाता है आपको बिल्कुल हम अभी तक ये जो साइंस जिसको कहते हैं ना लोग एक्चुअली गलत बात करते हैं ये भी कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफा है नंबर्स जीरो फॉर इंस्टेंस तो कई चीजों के बारे में अभी हमने सिर्फ एक छोटी सी मालूमात की है जैसे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं आप प्लास्टिक सर्जरी में चले जाएं सर्जरी में चले जाएं अभी हम बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग अभी समझ पाए बिल्कुल फिर जेनेटिक्स में जो अब हो गई हैं चीजें आगे आने वाला वक्त क्या होगा तो हमें थोड़ा सा इदराक होना चाहिए हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को ये दुनिया फैली हुई है इसमें जो साइंसेज हैं उसकी तरफ लेके आए उन बच्चों को बहुत जरूरी है ये बात अवेयरनेस और एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सबा जी आप आपकी ऑडियंस आपको जो फॉलो करते हैं देखते हैं आपके प्लेस देखते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप बस उन सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया उनकी पसंदीदगी का शुक्रिया जिस तरह से एयरपोर्ट पर पब्लिक प्लेसेस पर रोक रोक के वो प्यार करते हैं हाथ चूमती हैं खवातीन हाथ चूमती हैं भाई वो इतना प्यार करती हैं तो उन सबका बहुत शुक्रिया पसंदीदा जाहिर है उसके पीछे मेरी मेहनत भी है और जिंदगी से एक बात सीखी है मैंने अब इस एज में आकर मुझे समझ आई है हाँ आ गई है शुक्र है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी बात के लिए खुद वो जगह छोड़कर पीछे हो जाए और अपनी जिंदगी अच्छी ये पता नहीं किस सिलसिले में ये बात है नहीं ये बिल्कुल सही बात है ये हर किसी पर अप्लाई होती है डू नॉट पुश पीपल अपने भी उनको आप, पुश आप नहीं खुद ज़हनी तौर पर ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि क्यों नहीं मेरे मुताबिक हो रहा ये नहीं हो रहा तो उससे बेहतर है कि आप लेट इट बी स्पेस दे दें ठीक है साजिद भाई जाते जाते आप हमारे इतने मतलब लोग आपको देखते हैं चाहते हैं पसंद करते हैं What is one thing that you have not said so far and you want to tell that bacho ya bado ya pyaro ye zara karo maine itni nasihatein pehle hi kar di hai ke uth ke chale gaye honge sare pata nahi kaun dekh raha hai lekin baat ye hai ki hame ab pakistan ko ek global village ke liye taiyar ho jana chahiye hamare yahan jo kamzoriyan hain jo log hamare khilaf baatein karte hain pakistan ke khilaf propaganda karte hain hame unko taqviyat nahi deni chahiye हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए और वो हम सब मिलके कर सकते हैं एक दूसरे से प्यार बढ़ाएं सबसे पहले तो पाकिस्तान होने पे फखर करें पाकिस्तान लेकिन बस वो रोटी कपड़ा और मकान के मसलों से निकल जाएं तो फिर इन वो तो आप अपने चार पांच जेवर भेज देंगे तो निकल जाएंगे तो ये बड़ा जरूरी है फिर साजिद ठीक है जनाब और पाकिस्तान जिंदाबाद बेशक पाकिस्तान 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 यू नो आई थिंक पाकिस्तान को इस वक्त शदीद जरूरत है मोहब्बत की बेशक एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखे हम किसी को एक शिकायत हम एक शिकायती टटू हो गए एक दूसरे को ये करता है तो ये करता है आप पॉलिटिशियन से कैसे लड़ रहे हैं हर वक्त एक से एक घटिया बात और प्रूफ कुछ भी नहीं हो पाता तो ना प्रूव हो रहा है तो आप कम से कम इल्जाम तो घटिया लगाना छोड़ दें आप चाहे आगे चले ना यार रोड बनवाए बच्चों को तालीम दें हमें सेहत दे यार हमारे लोग और कंफ्यूज पॉलिसी ना रखें हम जैसे ये आपका कोविड आया गवर्नमेंट एक बात कह रही है ऑपोजिशन एक कर रही है कराची में एक सिंध में एक तरह का है वहां एक दैट्स डिस्कॉर्डेंट यू नो मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉ हमें चाहिए कि कम से कम इतनी खतरनाक चीजों में तो अपनी कौम को पहले रखें और पॉलिटिक्स को साइड पर रख दें बिल्कुल सही है जबरदस्त वेरी नाइस थैंक यू साजिद भाई थैंक यू वेरी मच सबा जी थैंक यू जनाब आप लोग इस शो का हमें फीडबैक दीजिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक और ग्रेट सेट ऑफ सेलिब्रिटीज के साथ मुझे इजाजत दीजिए अपना ख्याल रखिए टेक केयर बाय बाय कीप वॉचिंग टाइम आउट विद एहसन खान